ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि तीर्थनगरी पुष्कर के निर्माणधीन ज्योतिबा माता सावित्रीबाई फुले सर्किल पर मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं और गणमान्य अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। क्रांतिवीर हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है। आज के दिन 1898 के अंदर उनका देहांत हुआ था और आज हमारे ओबीसी समाज के एवं समग्र जो महात्मा ज्योतिबा फुले के तत्वावर्तक हैं, समर्थक हैं या उनको जो पसंद करते हैं, वो सभी एकत्रित होकर आज महात्मा ज्योतिबा फुले के पुष्पांजलि करी एवं लोगों हमने समाज के लोगों को बताया कि किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में अग्रणी कार्य किए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को और आडंबरों को समाप्त करने का प्रयास किया, शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाया। लोगों में जागृति अगर आएगी समाज के अंदर तो पहले शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा और इसी मूल सिद्धांत के साथ में हमने सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव। चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता। सबसे पहले अजमेर संभाग की जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। अगर छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, अगर रह गया आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार, तो आप स्वामी न्यूज के फेसबुक के प्लेलिस्ट पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां कमेंट करें और जानकारी दें कौन होगा 2023 में आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार। अगर छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, अगर रह गया आपके क्षेत्र का उम्मीदवार, तो आप स्वामी न्यूज के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करें। साथ ही किस पार्टी से रख रहा है विधायक दावेदारी ये भी बताए और जानकारी दे कौन होगा 2023 में आपके क्षेत्र का विधायक उम्मीदवार।